ठीक है ठीक, चलो भाई। इसमें चल रहा है कि जो है अशरीरम भावसंतम ना प्रिया प्रिय स्पिशतः, है ना। तो वही शरीर में अध्यास होने पर प्रिया प्रिय बुद्धि होती है, अनुकूलता प्रतिकूलता होती है, सच में ना। तो इसके ऊपर विचार आया है ना भाई, जीते जी अशरीरत्व कैसे होगा ज्ञानी को, है शरीर छोड़ने पर अशरीरत्व आएगा। जब तक शरीर है ज्ञानी अशरीर कैसे होगा, है ना। ये कहते हैं शरीर शरीरे पतिते अशरीरत्वम स्यात् न जीवत इति चेत, यही है ना, यही चलेगा है। तो आप लोगों के पुस्तक में क्या है बोलिए, 175। हाँ 175 है ना। तो ये शंका किया कि शरीरे पतिते अशरीरत्वम स्यात् न जीवतः इति चेत, ये शंका है भाई, है ना। ये प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा तो शरीर छूट जाएगा, शरीर जब छूट जाएगा तो ज्ञानी में क्या आएगा, आत्मा में अशरीरत्व आएगा, न जीवत, जीते जी ज्ञानी अशरीर कैसे हो जाएगा, है ना। मरने के बाद अशरीर होगा, है कि नहीं। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहा जाए तो, मतलब अपने में जैसा हो रहा है ऐसे ही समझ रहा है ना दूसरे ज्ञानी को, अज्ञानी यही समझता है ना। हमको जैसे शरीर में संबंध है ज्ञानी को भी होता होगा, ऐसा मान करके वो पूर्व पक्षी कहता है कि शरीरे पतिते अशरीरत्वम स्यात्, भाष्य में था, समझ में ना, न जीवतः इति चेत, जीते जी ज्ञानी अशरीर नहीं हो सकता, हो गया ना बे। इसका उत्तर दिया जा रहा है ना, भामति माया परिहरती ना, क्या है ना, शरीरत्वस्य मिथ्या ज्ञान निमित्तत्वात्। अरे भाई जी, सशरीरत्व है मतलब शरीर में अध्यास, सशरीरत्व मतलब शरीर में अध्यास, शरीर में अहम बुद्धि, शरीर का धर्म को अपना धर्म मानना, यही है सशरीरत्व, बात समझ में। इसका निमित्त क्या है, ये वास्तविक नहीं है, है ना, पारमार्थिक नहीं है सशरीरत्व, अपितु मिथ्या ज्ञान निमित्तत्वात्, मिथ्या ज्ञानम निमित्तम यस्य, समझ में ना, तत् मिथ्या ज्ञान निमित्तम कौन हो गया, सशरीरत्व, मतलब शरीर में जो अध्यास है इसका निमित्त क्या है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान इसका निमित्त है, ठीक है ना राण। ये लिखा सशरीरत्वस्य मिथ्या ज्ञान निमित्तत्व, ठीक है। नहि आत्मनः शरीरात्म अहिमानं लक्षणं मिथ्या ज्ञानं मुक्त्वा अन्यतः स शरीरत्वं शक्यं कल्पयितुम्, है ना, मिल गया आप लोगों को। हाँ, ये बोलते हैं कि आत्मा तो निराकार है, आत्मा तो असंग है, असंग ही अयम पुरुष कहा जाता है कि नहीं। इसलिए शरीर आत्म अभिमान लक्षणम, शरीर में जो आत्मबुद्धि अभिमान है कि नहीं, यही तो मिथ्या ज्ञान है। इसको छोड़ करके अन्य कोई हेतु नहीं है जिससे कि शरीर सशरीरत्व की कल्पना करो, अन्यतम क्या, अन्य कारण से सशरीरत्वम शक्यम कल्पयितुम, मिथ्या ज्ञान ही इसका निमित्त होता है अध्यास का, इसके अलावा कोई हेतु नहीं है,
शरीर में अहम बुद्धि करना, शरीर का धर्म को अपना धर्म मानना, इसका हेतु क्या है? मिथ्या ज्ञानी है, अन्य कोई हेतु नहीं है। समझ में आया ना? इसीलिए आत्मा का जो स्वभाव है अशरीरत्व असंगता, इसका कोई निमित्त नहीं है, वो तो स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव असंगता है, आएगा ना समझ में? इसलिए बोलते नित्यम अशरीरत्वम अकर्म निमित्तत्वात् इति अवचामा। एक किसी कर्म के निमित्त नहीं यहाँ पर, है ना? किसमें? अशरीरत्व में, ये स्वाभाविक है, ये है ना? किसी कर्म, किसी कार्य का कोई निमित्त कर्म हो वो तो स्वाभाविक नहीं होता है। इसका कोई निमित्त कर्म नहीं है, है कि नहीं? वो क्या कहेंगे उसको? स्वाभाविक कहेंगे। आत्मा सत्य है, इसका निमित्त क्या है? स्वभाव है। आत्मा चेतन है, चैतन्य उसका स्वभाव है, आनंद रूपता स्वभाव है। इसी वजह भी अशरीरत्व जो है, मतलब असंगता जो है, ये तो स्वभाव है। ऐसे में ना इति अवचामा, इसका तो हमने पहले विचार कर दिया, लगे ना? थोड़े टीका ले लो। ओम महादेव। टीका देखिए, कहते हैं यदि वास्तवम स शरीरत्वम भवेत न जीवतः स्तन निवर्तेत। देखो भाई, यदि स शरीरत्वम वास्तवम भवेत, स शरीरत्व को यदि वास्तविक माना जाएगा, मतलब शरीर में जो अध्यास हो रहा है ये क्या है, वास्तविक यदि हो, समझ में ना? तो न जीवतः तन निवर्तेत, जीते जी उसकी निवृत्ति न होती, जीते जी उसकी निवृत्ति न होती। लेकिन जो सशरीरत्व है ना, इसका निमित्त मिथ्या ज्ञान ही है। मिथ्या ज्ञान निमित्तम तो तत्, तत् कहने से सशरीरत्व, सशरीरत्व का हेतु तो मिथ्या ज्ञान ही है, भ्रम ही है। मतलब अपने स्वरूप को नहीं जानना, अपने स्वरूप को नहीं जानना, ये मिथ्या ज्ञान यही निमित्त है। और क्या निमित्त है? शरीर को मैं मान रहे हो तो इसका निमित्त क्या ढूंढोगे? मिथ्या ज्ञान ही है। है कि नहीं? अच्छा, तच्च इसीलिए मिथ्या ज्ञान से जो होगा उसकी निवृत्ति तत्व ज्ञान से हो जाएगी। जीते जी जिस महापुरुष को अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया तो सशरीरत्व नहीं रहेगा, अध्यास नहीं रहेगा, है कि नहीं? इसलिए पूर्व तो नास्तिकत्रिता है ना, ऐसा का अलेपवाद, अलेपवादम श्री कृष्ण जनको जता, अलेपवादम आश्रित श्री कृष्ण जनको जता, समझ में ना? ऐसा का हाँ, इसलिए पूर्व तो नास्तिकत्रिता, दूसरे की दृष्टि से करता हुआ भी उसमें कर्तृत्व नहीं है। जैसे जनक जी है, जैसे दूसरे की दृष्टि से तो राजा है, लेकिन अपनी दृष्टि से वो राजा नहीं। वो जानते हैं कि सब शरीर का है, मेरा कुछ भी धर्म नहीं है। गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, है कि नहीं? ये कह रहे हैं। चलो, इसलिए कह रहे हैं भी तच्च उत्पन्न तत्व ज्ञानेन जीवतो अपि, ऐसा पाठ है, हाँ जीवतो करो उसको, जीवतोपि वो अच्छा है, मालूम पड़ रहा है। ठीक है राजू, आपके पुस्तक में क्या है? जीवता के जीवतो अभी कट गए क्या लोग? जीवतो के जीवता, हाँ जीवतो करो। तच्च आवाज आ रहे ना स्पष्ट?
हाँ मेरा थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम, वैसे ठीक है। हाँ ठीक है चलो। तच्च उत्पन्न तत्व ज्ञान है ना, है ना। हाँ तत्व ज्ञान जिसको उत्पन्न हो गया है ना, तो ऐसे महापुरुष के द्वारा जीवतोपि मतलब जीते जी भी, जब तक प्रारब्ध है तब तो शरीर रहेगा, जीते जी भी सक्यम निवर्तयितुम, इसलिए सशरीरत्व को निवर्तन आप कर सकते हो, अध्यास को आप हटा सकते हो, समझ में आया कि नहीं। इसलिए कहा श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु एव अभिगच्छेत, हैं तो जिसका शरीर में अध्यास है वो ब्रह्मनिष्ठ है क्या? शरीर में अध्यास भी हो उसको ब्रह्मनिष्ठ भी हो कैसे कहोगे? ब्रह्मनिष्ठ तो वही है कि जिसकी स्थिति निरंतरता परमात्मा में हो, अपने स्वरूप में हो, है ना। तो जीवन मुक्त है कि नहीं, तो जीवन मुक्त में अध्यास नहीं होता है, ये कह रहा है। अच्छा यत् पुनर अशरीरत्वम तद अस्य स्वभावः ये न इति न शक्यम निवर्तयितुम, अरे यो आत्मा का ये स्वभाव है नारायण, अशरीरत्व मतलब असंगता, शरीर के साथ आत्मा की असंगता है, और ये जो अशरीरत्व है आत्मा का स्वभाव है ये, और स्वभाव का निवर्तन कभी नहीं होता है, कितना भी कोशिश कर लो स्वभाव का कोई जो है त्याग नहीं कर सकता है। सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, इसी प्रकार असंगता स्वरूप है ना, इसकी निवृत्ति कभी नहीं होती, कभी हटता नहीं। हम भ्रम ज्ञान से भले ही मान लो कि मैं तो अमुक हूँ, मैं अमुक हूँ, लेकिन आत्मा तो असंग ही है ना, इसलिए बोल रहे हैं देखो, है ना। स्वभाव हाने ना, जिस पदार्थ का स्वभाव नहीं रहेगा वो पदार्थ ही नहीं रहेगा, वो नष्ट हो जाएगा। अग्नि हो और अग्नि में उष्णता ना हो, कभी हो सकती है क्या? हाँ कोई चमत्कार हो, कोई प्रतिबंधक हो, वो तो अलग बात है। हाँ कि मंत्र का प्रयोग कर दिया, हाँ कोई तपस्या का बल हो, हाँ तो उसमें कोई प्रतिबंधक होता है सामर्थ्य के कारण, लेकिन अग्नि में उष्णता नहीं रहेगी ऐसी बात नहीं, उष्णता कहीं चली जाएगी ऐसी बात नहीं, धर्म है ना, ऐसा होता है ये बोलते हैं। देखो स्वभाव हाने ना, अब वस्तु का जो स्वभाव नहीं रहेगा तो भाव विनाश प्रसंगात, भाव का अर्थ वस्तु, वस्तु रहेगा नहीं, वस्तु का नाश हो जाएगा, धर्म है ना। इस अभिप्राय से कहा क्या कहा देखो, नित्यम अशरीरत्वम अकर्म निमित्तत्वाद इति अवचामा, आत्मा का स्वभाव जो अशरीरत्व है इसका त्याग कभी नहीं होता है, ऐसा है, इसलिए आवरण को हटा करके अपने स्वरूप को केवल समझना होता है ना। ज्ञान केवल आवरण को हटाता है, आपका स्वभाव जैसा है ऐसे ही स्वभाव रहता है, धन्य है ना। ऐसा है। अच्छा स्यात एतत्, पूर्व पक्षी कहता है कि स्यात एतत् न मिथ्या ज्ञान निमित्तम स शरीरत्वम अपितु धर्माधर्म निमित्तम, ये कह रहा है देखो पूर्व पक्षी, अरे भी जो स शरीरत्व है ना भाई, इसका निमित्त मिथ्या ज्ञान नहीं है, वास्तविक है। क्यों वास्तविक हुआ? अपितु धर्माधर्म निमित्तम, भाई धर्माधर्म के कारण शरीर में अध्यास, शरीर में संबंध है ना, जैसा धर्माधर्म होगा आपको ऐसे ही शरीर मिलेगा कि नहीं, इसलिए शरीर के ज्यादा संबंध है, यही तो सशरीरत्व। सशरीरत्व का अर्थ शरीर के साथ संबंध है, ये सशरीरत्व है इसका निमित्त कौन है? धर्माधर्म है ना, पाप पुण्य धर्माधर्म ही इसका निमित्त है कि नहीं। इसलिए क्या हुआ? तच्च स्व कारण धर्माधर्म निवृत्ति मंत्रण न निवर्तते, पूर्व पक्ष है ये ना, इसलिए सशरीरत्व का कारण कौन हो गया? धर्माधर्म।
इसलिए धर्माधर्म की निवृत्ति के बिना, मतलब धर्माधर्म जब तक है कि नहीं, तब तक सशरीरत्व रहेगा ही, उसकी निवृत्ति कैसे होगी? कितना ही पढ़ लो, जब तक आपका धर्माधर्म है आपका संबंध तो शरीर में रहेगा ही, सशरीरत्व तो रहेगा। पाप नाश होने के बाद ज्ञान होता है। पाप नाश होने के बाद समझ में कि नहीं, ये बोलते ही है ना। अतन निवृत्त धर्माधर्म की जब निवृत्ति हो गई, धर्माधर्म की निवृत्ति कैसे होगी? भोग से होगी। क्या है? भोग से होगी, अतः परमात्मा की उपासना से होगी, परमात्मा का अनुग्रह से होगा, है कि नहीं? तो धर्माधर्म की जब निवृत्ति हो जाएगी तो क्या होगा? प्रयाणम, बस राम नाम सत्य हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मरणम एव, मृत्यु हो जाएगी, शरीर नहीं रहेगा, मतलब प्रयाण हो जाएगा, मतलब शरीर छूट जाएगा, है ना। इसलिए क्या हुआ? न जीवतो अशरीरत्वम, इसलिए जीते जी तो आत्मा में अशरीरत्व नहीं आएगा। जब तक है धर्माधर्म तब तक शरीर रहेगा, और शरीर जब रहेगा तो शरीर में शरीर का तो है संबंध रहेगा आत्मा के साथ, है कि नहीं? अरे तब ना भूख लगती आपको भाई, भोजन मांगते हो, प्यास लगती तो जल मांगते हो, क्यों? और बीमारी पड़ते हो तो डॉक्टर के पास भी जाते हो, बुलाते हो, और नहीं भी बुलाए तो दवाई तो खाते हो, है कि नहीं? हाँ, ऐसा है। चाहे अंग्रेजी दवाई खाओ, चाहे जो है क्या आयुर्वेद दवाई खाओ, खाना ही तो पड़ता है। एलोपैथिक नहीं तो आयुर्वेदिक, है ना, डॉक्टर लोग बोलेंगे। इसलिए जो है जीते जी आत्मा में अशरीरत्व तो नहीं हो सकता, लग गया ना? हाँ, ये बात जल्दी समझ में आती है लोगों को। भाई एकदम सही बोल रहे। शरीर के साथ अभ्यास जाता नहीं ना जल्दी। इसलिए सत्य लगता है ये, इति संकते, इसलिए शंका करता है पूर्व पक्षी। देखो भाष्य देखो, हैं तत्कृत धर्मा धर्मा निमित्तम सशरीरत्वम इति चेत, है ना। अब थोड़ा कम कर सकते हो, अभी चलेगा, अभी सुबह सुबह चलेगा। हाँ चलिए, तो कहते हैं कि तत्कृत, तत्कृत मतलब तत् से क्या लेंगे? आत्मा। क्या लेंगे? आत्मा, ठीक है। तत्कृत धर्मा धर्म निमित्तम स शरीरत्वम इति चेत, तत् का अर्थ हो गया आत्मा, तत् का अर्थ आत्मा। आत्मा से क्या होता है? धर्माधर्म होता है कि नहीं? अरे गंगा स्नान करते हो, मंत्र का जप करते हो, स्वयं करते हो कि नहीं? तो आत्मा से ही तो धर्माधर्म होता है। अरे तत्र तेन कृतौ इति, तेन तत्कृतौ, आत्मा से ही संपादित होते हैं धर्माधर्म। ऐसा धर्माधर्म हो गया निमित्त, किसके प्रति? सशरीरत्वम, हो गया कि नहीं? तात्पर्य क्या हुआ? मतलब जब तक शरीर है कि नहीं, मतलब जब तक धर्माधर्म है तब तक शरीर रहेगा, जब तक शरीर है तो सशरीरत्व रहेगा आत्मा में, मतलब स्वाभाविक है। जब तक है धर्माधर्म, ओम चलेगा बाद में। हाँ ठीक है, नमो नारायण। ठीक, तो कहते हैं कि जो है तत्कृता धर्म अधर्म निमित्तम सशरीरत्वम इति चेत न, इसका उत्तर दिया जा रहा है। थोड़ी टीका ले लो, तत् इति आत्मानं परामृशति। ये भाष्य में जो तत्कृत आया, तत् शब्द से लीजिए आत्मा, क्या लेंगे? आत्मा। आत्मा से ही धर्माधर्म होता है, बराबर है कि नहीं? उसका निराकरोति, निराकरण करते हैं न। भाष्य देखो, शरीर संबंधस्य असिद्धत्वात्, हैं धर्माधर्मयोर आत्मकृतित्व असिद्धे। सिद्धांत बोलता है
ये बताओ, तुम्हारा जो शरीर का जो संबंध है, आत्मा का शरीर के साथ संबंध है कि नहीं, ये बताओ, ये सिद्ध होगा? पहले धर्माधर्म तब संपादित तो होगा आत्मा से, जब आत्मा का शरीर के साथ संबंध हो तो। क्या आत्मा का शरीर के साथ संबंध हो तब क्या होगा? धर्माधर्म होगा आत्मा से, है ना? तब तो क्या हो जाएगा कि अनन्य आश्रय हो जाएगा ना। अब बताएंगे आगे क्या हो जाएगा। अनन्य मतलब पहले शरीर का, शरीर के साथ आत्मा का संबंध हो तो क्या होगा? धर्माधर्म होगा कि नहीं? अब पहले जो धर्माधर्म हुआ हो तो आगे फिर शरीर मिलेगा आपको, तो क्या होगा फिर? अन्नाश्रम दोष नहीं हो जाएगा? इसलिए आत्मा में पहले शरीर का संबंध सिद्ध हो तब जाकर के आत्मा से क्या होगा? धर्माधर्म होगा। इसलिए कहते हैं देखो, शरीर संबंध से असिद्धत्वाद धर्माधर्म का हेतु क्या है? शरीर संबंध। तो शरीर संबंध यदि सिद्ध हो पहले आत्मा के साथ, तब आत्मा से क्या होगा? धर्माधर्म संपादित होगा। ऐसे में इसलिए धर्माधर्म का संपादन आत्मा से हो ये सिद्ध ही नहीं हो सकता है, ये बोलते हैं। धर्माधर्म योर आत्मकृतत्व असिद्ध है क्या? अच्छा, और भी कहते हैं, बोलते हैं कि थोड़े टीका ले लो, टीका थोड़े ले लो तब समझ में आएगा आप लोगों को। न तावत आत्मा साक्षात धर्माधर्म कर्तुम अर्हति। ये बता पे धर्माधर्म कहाँ से हो रहा है फिर? धर्माधर्म की प्राप्ति कैसे हो रही है फिर? आत्मा से तो हो रही है। बोलते कि निर्विशेष आत्मा से साक्षात धर्माधर्म नहीं हो सकता, आत्मा का संबंध ही नहीं किसी के साथ, तो निर्विशेष आत्मा से धर्माधर्म की उत्पत्ति कैसे होगी? धर्माधर्म का आत्मा साक्षात्कर्ता नहीं बनता है। संबंध बनेगा तब तो साक्षात्कर्ता बनेगा, किसका? धर्माधर्म का। फिर धर्माधर्म कैसे हो रहा है फिर? आत्मा से तो हो रहा है। बोलते हैं देखो, बोलते बाघ बुद्धि शरीर आरंभ जनितो, ऐसा ना है? हाँ, बाघ है, वाणी है, बुद्धि है, शरीर है कि नहीं? हाँ, इसी से क्या होता है? आरंभ होता है। केवल आत्मा से धर्माधर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, बराबर ना? ना तो मतलब कौन? धर्माधर्म, ठीक है ना? न असत्य शरीर संबंधे भवता, शरीर के यदि संबंध यदि ना हो तो धर्माधर्म कैसे होगा? क्यों? आत्मा का शरीर के यदि संबंध यदि ना हो तो धर्माधर्म तो होगा नहीं, बराबर ना? और ताभ्याम तो शरीर संबंधम है कि नहीं? और धर्माधर्म से आगे क्या होगा फिर? शरीर का संबंध हो जाएगा। शरीर का संबंध हो तो धर्माधर्म, अब पहले धर्माधर्म हो तो आगे शरीर आपको मिलेगा, शरीर का संबंध होगा तो क्या हुआ फिर? स्पष्ट हो गया अन्नाश्रय, स्पष्ट हो गया बात समझ भाई? पहले शरीर का संबंध हो तो धर्माधर्म होगा, और शरीर का संबंध भी कैसे होगा? पहले धर्माधर्म हो तो शरीर का संबंध होगा, इसी का नाम क्या होता है? अनन्याश्रय दोष। बात समझ में? शरीर संबंध की सिद्धि होने पर धर्माधर्म की सिद्धि होगी, और धर्माधर्म की सिद्धि होने पर शरीर संबंध की सिद्धि होगी, ऐसा समझ में? ऐसा बोल रहे हैं, है ना? इसलिए व्यक्तम परस्परम रोचयमानो, ऐसा रुचि रखता हुआ ये क्या सिद्ध करेगा फिर? व्यक्तम परस्पराश्रयम दोषम आवहति, ये तो परस्पर में अन्नाश्रय दोष सिद्ध हो जाएगा, स्पष्ट है। व्यक्तम मतलब स्पष्ट है, इसी का नाम दोष है, अन्नाश्रय दोष है, लग गया? तद इदम आह, इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं, है ना? भाष्य में कहा देखो, शरीर संबंधस्य धर्माधर्मयो हो, ठीक है ना रण? तत्कृतत्वस्य च इतरतर आश्रत्व प्रसंगात, है कि शरीर का संबंध हो तो धर्माधर्म हो जाएगा, और तत्कृत कहने से
और धर्माधर्म होने पर फिर आगे शरीर संबंध होगा, हो गया कि नहीं। इसलिए इतर इतर मतलब परस्पर आश्रयत्व प्रसंगत, परस्पर आश्रय दोष हुआ, अन्य आश्रय दोष हो जाएगा। लग गया? अच्छा, बोलते हैं देखो तुम वेदांती विचार तो करते नहीं है, केवल अन्य आश्रय दोष बोलते हो। अन्य आश्रय दोष तब होगा, सत्कर्यवादी बोलेगा, यदि उच्चेत, टीका में देखो, यदि उच्चेत मतलब यदि कहा जाए, कौन सत्कार्यवादी, इसको जो सत्य समझता है, शरीर का संबंध को सत्य, धर्माधर्मों को भी सत्य, सत्य मानने वाला यही बोल रहा है, किससे, वेदांति से। क्या कहता है, यदि उच्चेत सत्यम अस्ति परस्पर आश्रय, ठीक है परस्पर आश्रय तब होता है ना, हाँ, न तो ऐसा दोष है, परंतु भी ये परस्पर दोष यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर अन्याश्रय दोष नहीं लगेगा। क्यों, अरे भी अनादि ना है, हाँ, कब से आपका शरीर का संबंध होते आ रहा है, अनादिकाल से, अनादिकाल से मैं मनुष्य हूँ, ये हूँ, अमुक हूँ, ये संबंध पहले से ही अनादि है। धर्माधर्म भी कब से है, वो भी अनादि है कि नहीं समझ में। जैसे कह दिया बीजांकुर, बीज से अंकुर हो रहा है, अंकुर से बीज हो रहा है, कब से है ये, अनादिकाल से, इसलिए अनादि है। जहाँ पर अनादि है वहाँ पर परस्पर अन्यश्र दोष नहीं होता है। बीज से अंकुर, अंकुर से बीज चलते आ रहा है, मुर्गे से अंडे, अंडे से मुर्गे, चलता रहता है ये कि नहीं। शरीर के संबंध, फिर धर्माधर्म, फिर शरीर संबंध, फिर धर्माधर्म, इधर चलता ही रहता है, तो कहाँ अन्यश्र दोष होगा। बीज अंकुर जैसे अनादि होने के कारण अन्यश्र दोष उसमें नहीं होता है। इसी प्रकार धर्माधर्म वो शरीर में जो संबंध हो रहा है मतलब सशरीरत्व, इसमें भी क्या क्या नहीं है, अन्यश्र दोष नहीं है, ये बोलते हैं। थोड़ा प्रयत्न लगा रहा है, न तो ऐसा दोष हो, दोषो अनादित्वात् बीजांकुरवत् इतिहास, तब कह रहे हैं अरे ये जो परंपरा जो है ना, अनादि की परंपरा जो बोलते हो ये भाष्यकार क्या बोलते हैं, अंधा परंपरा ऐसा अनादित्व कल्पना, ये बताओ दोनों में से कौन अनादि है, बीज अनादि है कि अंकुर अनादि है, क्या कह रहे हो, अनादि कौन है, अरे दोनों तो नष्ट हो जाते हैं तो अनादि कैसे हुआ ना, बीज भी नष्ट होता है उत्पन्न होकर, वो भी नष्ट हो जाता है, अंकुर भी वो भी वृक्ष नष्ट हो जाता है, तो अनादि कौन है, अनादि कोई भी नहीं है। फिर बोलते उसका प्रभाव, बीज ओंकार जो प्रवाह चल रहा है, प्रवाह क्या चीज है बताओ, बीज को अलग अलग कर दो, अंकुर को अलग कर दो, तो प्रवाह नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, आगे समझ में। जहाँ पर अनादि मान करके कहते हैं है ना, तो फिर भी वो प्रामाणिक सिद्ध नहीं होता है, ये भ्रांति से चल रहा है पहले से, क्या कि अज्ञान से जिब्बा जिब्बा से, फिर अज्ञान ये जो है कहते हैं अनादि, अनादि होने पर भी पारमार्थिक नहीं हो जाता है, ये केवल व्यवहार मात्र होता है, क्या अज्ञान और जीव भाव, जैसे अनादि कहते हैं ना, अज्ञान भी अनादि है, जीव भी अनादि है, कहते कि नहीं, केवल व्यवहारिक मात्र होता है, अनादि कहने मात्र से पारमार्थिक नहीं हो जाता है। इसी का ये अभिप्राय है कि अंध परंपरा ऐसा अनादित्व कल्पना, इसको ध्यान में रखना है पंक्ति को। इसका ये अभिप्राय, ये पंक्ति को ध्यान से रखिएगा आप लोग है ना, अंधा परंपरा ऐसा अनादित्व कल्पना, बात समझ में, अनादि मान करके दोनों को पारमार्थिक ऐसा नहीं कहते, समझ में ना, ऐसा है। थोड़े टीका ले लो, टीका में इसका और विचार किए हैं। यस्तु मन्यते, जो लोग ऐसा मानता है, जो मानता है, न इयम अंध परंपरा तुल्य अनादिता, समझ में ना, ये जो अंध परंपरा अनादिता
अंध परंपरा तुल्या न। अरे इसको अनादि कह रहे हो ना, सशरीरत्व और क्या है धर्माधर्म, ये क्या है अनादि है, अंध परंपरा के समान नहीं है, अंध परंपरा के समान नहीं है। आगे लिखे यहाँ पर नहीं यतो धर्माधर्म भेदात आत्म शरीर संबंध भेद ततएव स धर्माधर्म भेद, किंतु इस पूर्वस्मात आत्म शरीर संबंधात पूर्व धर्माधर्म भेद जन्मनः एष तो आत्म शरीर संबंधो अस्मा धर्माधर्म भेदात, ऐसा कोई कहे। जैसे बीजांकुर कह दिया ना भाई, देखो जिस बीज से जो अंकुर हुआ, क्या है बीज, बीज बीज से वृक्ष बनता है ना, अंकुर ना वृक्ष, जिस बीज से अंकुर हुआ उसी अंकुर से वही बीज उत्पन्न होता है क्या, नहीं होता है ना क्या, जिस बीज से अंकुर हुआ वृक्ष हुआ उसी वृक्ष रूपी कार्य से वही बीज उत्पन्न होता है क्या, वो दूसरा बीज होता है, वही बीज भी जो हो जाए तब तो अन्नाश्रय दोष होगा ना, ऐसा मैंने इस बीज से इस अंकुर, इस अंकुर से ये बीज, तब तो अन्नाश्रय दोष होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। और पूर्व बीज से उत्तर वृक्ष है कि नहीं, अब फिर जो है पूर्व वृक्ष से फिर उत्तर बीज होता है, अन्य बीज होता है, वही बीज तो नहीं होता है, आएगा ना समझ में। इसी प्रकार ये बोलता है ना बराबर, जिस धर्माधर्म से ये शरीरों के साथ संबंध हुआ, इस शरीर संबंध से वही धर्माधर्म हुआ क्या, जिस धर्माधर्म से शरीर मिला, ऐसा नहीं ना है, वो तो दूसरा है, इसलिए परस्पर आश्रय दोष नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, लग गया। देखो टीका है ना, नहीं यतो धर्माधर्म भेदा, जिस धर्माधर्म विशेष से आत्म शरीर संबंध भेद, आत्मा के साथ शरीर का संबंध विशेष हुआ, ततएव उसी शरीर संबंध विशेष से सधर्माधर्म भेद, वही धर्माधर्म हुआ क्या, नहीं हुआ, किंतु फिर क्या हुआ, फिर एषः ये जो धर्माधर्म हुआ वो क्या हुआ, पूर्वस्माद आत्म शरीर संबंधात पूर्व धर्माधर्म भेद जन्मनः, ये देखो ठीक है ना, इसलिए पूर्व के साथ जो आत्मा का शरीर संबंध था उसी से एक वो किससे हुआ, फिर उससे पूर्व हुआ, है कि नहीं समझ, उसके पूर्व धर्माधर्म से हुआ कि नहीं, और वो पूर्व धर्माधर्म किससे हुआ, उसके पूर्व शरीर संबंध से हुआ, अब पूर्व में शरीर संबंध किससे हुआ, उसके पूर्व धर्माधर्म से हुआ, इसलिए परस्पर आश्रय दोष नहीं होगा, ये बोलता है यहाँ पर। आगे लिखे हैं इसी को, एस तु आत्म शरीर संबंध, ये जो शरीर के संबंध हुआ आत्मा का, ये किससे हुआ है ना, कहते हैं अस्मा धर्माधर्म भेदा, इस धर्माधर्म से वो भिन्न है, वो है कि नहीं सच में, हाँ ऐसा जो कोई मानता है ठीक है, तम प्रति ऐसा मानने वाले के प्रति कहते, ये पहले सिद्ध करो कि आत्मा के साथ क्रिया का संबंध होता है क्या, बाकी छोड़ो तुम बीज अंकुर न्याय को तुम छोड़ो, आत्मा के साथ क्रिया का संबंध होता है क्या, ये पहले विचार करो आत्मा के साथ क्रिया का कोई संबंध नहीं तो धर्माधर्म कैसे होगा आत्मा से, निर्विशेष आत्मा से, कह रहे ये कह रहा है पर, क्रिया समवाय अभावात आत्मनः कर्तृत्व अनुपत्ते है कि नहीं, हाँ क्रिया समवाय समवाय संबंध है कि नहीं, क्रिया का संबंध यदि ना हो आत्मा से तो आत्मा धर्माधर्म का कर्ता कैसे बनेगा, बात समझ में ना, एक क्या जो पूर्व पक्ष आए थे सत्कार्यवादी, हाँ सांख्य है, सांख्य भी है तार्किक भी है, वो सत्कार्यवादी नहीं है लेकिन आत्मा को कर्ता मानते हैं ना, अरे सारे लोग आत्मा को कर्ता मानते हैं, कौन नहीं मानता है, अद्वैत वेदांत को छोड़ने पर सभी लोग आत्मा को ही तो धर्माधर्म का कर्ता मानते हैं,
शरीर के संबंध तो मानते ही वो लोग, समझ में? सांख्य नहीं मानता है, सांख्य आत्मा के साथ संबंध नहीं मानता, धर्माधर्म बुद्धि में मानता है, सांख्य नहीं मानता आत्मा में। सांख्य लोग धर्माधर्म आत्मा में नहीं मानते, बुद्धि में मानते हैं, कर्तृत्व बुद्धि में। कल देखे ना नहीं मुक्तावली में, हाँ ये तार्किक लोग मानते हैं कि नहीं, भक्ति सिद्धांत कर्मकांडी लोग मानते हैं, धर्म है ना ऐसा मानते हैं। चलो क्रिया समवाय अवा समवाला संबंध, क्रिया का संबंध ना होने से आत्मा कर्ता नहीं हो सकता है, बराबर है कि नहीं? अरे कर्ता तो उसी को बोलते हैं ना जो क्रिया का संपादन करे वही कर्ता है, हाँ जैसे देवदत्त करोति, हाँ देवदत्त करोति, जिसमें क्रिया होगी उसी को कर्ता बोलते हो। आत्मा में पहले क्रिया संबंध हो तब तो आत्मा को कर्ता कहोगे, धन में ना ऐसा है। अच्छा अब कहते हैं, अरे देखो भाई ऐसे भी हो सकता है, साक्षात आत्मा कर्ता न होने पर भी क्रिया का, लेकिन सन्निधि मात्र से तो हो जाएगा, किससे? हाँ ये टीका का लिखते हैं देखो, हैं संकते सन्निधान मात्रणा, सन्निधान मात्रणा मतलब क्या, आत्मा के रहने मात्र से सब कुछ दूसरे लोग करते हैं, बुद्धि वगैरह सब करते हैं, शरीर है बुद्धि है इंद्रिय है इसमें सब कार्य क्रिया हो रही है, लेकिन आत्मा के सन्निधि मात्र से तो कर्ता हो गया कि नहीं? आत्मा सन्निधि मात्र से भी आत्मा क्रिया का कर्ता हो सकता है, जैसे राजा, राजा कुछ नहीं करता है सब कुछ उसके नौकर लोग करते हैं, लेकिन कर्ता कौन होता है? राजा ही तो होता है, राजा को भी तो कर्ता कहा जाएगा ना, है कि नहीं? इसको कहते हैं प्रयोजक कर्तृत्व, क्या है? प्रयोजक कर्तृत्व है। राजा प्रवृत्ति नाम दृष्टम कर्तृत्व इति चेत, है कि नहीं? तो राजा में जैसे कर्तृत्व होता है किसको लेकर? सन्निधि मात्र ना, उसकी सत्ता मात्र से हो जाएगा ना, इसका वो परिहार करते हैं ना, ऐसी बात नहीं। पहले वो खरीदता है, नौकरी में रखता है धन वगैरह दे करके उनमें भी क्रिया हो रही कि नहीं? किसमें? राजा में भी तो क्रिया हो रही है, पहले संबंध बनाना पड़ता है किसके साथ? नौकर के साथ, तब जाके नौकर करे, ऐसे नौकर थोड़ी करता है। चाहे धन से संबंध रखो, चाहे सेवा से, क्या बोलते हैं, प्रेम से रखो, कैसे भी हो भाव तो रखना पड़ता ना उसके प्रति, संबंध रखना पड़ता है, तब जा करके वो नौकर वगैरह करते हैं तो इसलिए राजा भी क्या है? राजा भी करता इसलिए बन जाता है संबंध के कारण। ये कह रहे हैं देखो, धन दानादि उपार्जित भृत्य संबंधित्व है, देखो नारायण, इसलिए धन आदि दे करके भृत्य के साथ संबंध है कि नहीं राजा का? लग गया ना, इसलिए तेषाम कर्तृत्व उपपत्ति है, इसलिए राजा दे भी क्या है? कर्ता तो बन जाएंगे, लेकिन आत्मा का क्या है समय? हाँ शरीर आदि के साथ क्या दे करके वो जो संबंध बनेगा बताओ वो तो निष्क्रिय है, असंगोई अयम पुरुष बोलते हो है कि नहीं? आ कहते उपार्जन मतलब स्वीकरणम, धनादि को लेकर के राजा उसको स्वीकार करता है, भाई ये मेरा नौकर है, मेरा ये नौकर है, कभी नाराज भी हो जाता है, अरे मेरे नौकर को तुमने डांट दिया, कौन राजा नाराज भी हो जाता है, मेरा आदमी है तुम नहीं समझते हो, ऐसा होता है। न तो इयम विधात्मनि, है ना, न तो इयम विधा आत्मनि, विच्छेद करना है, न तो इयम विधा आत्मनि भावती में नहीं मिला आपको? हाँ ये प्रक्रिया आत्मा में नहीं घटेगा, राजा में तो हो जाएगा न तो आत्मना, भाष्य में देखो, न तो आत्मनो धन दानादिवश शरीरादि भी स्वस्वामी संबंध निमित्तम किंचित छक्यम कल्पयितुम, है ना, वहाँ पर तो स्वस्वामी भाव संबंध होता है नारायण, है कि नहीं? हाँ धनादि के द्वारा
राजा के साथ क्या बनता, नौकर का, स्वस्वामी भाव संबंध। आत्मा का शरीर आदि के साथ क्या बनेगा, ऐसा कोई संबंध वास्तविक नहीं हो सकता है। धन दान आदिवत शरीर आदि भी ही आत्मनः स्वस्वामी संबंध निमित्तम किंचित शक्यम कल्पयितम न कल्पयितम। राजा में तो हो जाता है, लगे नारायण। अच्छा बोलते हैं संबंध दिखता है नारायण, संबंध दिखता है ना शरीर आदि के साथ आत्मा का। अरे बोलते ये मिथ्या अभिमान, क्या है ये मिथ्या अभिमान है। मिथ्या अभिमानस्तु प्रत्यक्ष संबंध हेतु, संबंध का हेतु क्या है, अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान और कुछ नहीं है। संबंध का हेतु तो मिथ्या ज्ञान है, संबंध किसी भी दृष्टि से बन नहीं सकता आत्मा का, फिर भी इसका निमित्त क्या है, संबंध दिखता है, मिथ्या ज्ञान ही है, मिथ्या अभिमान ही है, समझ में कि नहीं। इसलिए क्या हुआ, एतेन जजमानत्तम आत्मनो व्याख्यातम, जैसे कर्मकांडी लोग बोलते हैं ये बताओ जजेत स्वर्ग काम है, स्वर्ग की इच्छा करने वाला क्या करे, जाग करे, तो जाग क्रिया का कर्ता कौन है, फिर बताओ जजमान कौन है। जजमान शुद्ध आत्मा है, ये शरीर है तो कौन है, हाँ बोले विशिष्ट आत्मा भाई, क्या समझ है ना, विशिष्ट जो आत्मा है चिदाभास, शरीर में जो चिदाभास दिखता है, प्रतिबिंब दिखता है, उसी को मैं मान रहे हो, क्या मान रहे हो, उसी को मैं मान रहे हो। शुद्ध आत्मा में भी कर्तृत्व नहीं है, और केवल शरीर में भी कर्तृत्व नहीं है। शरीर का जन्म हुआ तो मेरा जन्म हुआ जो मानता है, वही जजमान होता है, ना शुद्ध आत्मा है ना केवल शरीर है, आज समझ में, ये विचार आता है। ये इसलिए कहा जजमानत्तम आत्मना, है ना, वास्तविक आत्मा को तुम जजमान कहते हो, है ना, इसके द्वारा ये व्याख्यान हो गया, व्याख्यातम, वास्तविक शुद्ध आत्मा जजमान नहीं होता है, लग गया ना, ऐसा है। इसलिए कहते हैं वर्णाश्रम अभिमान न सूत्र दास भवन नर, सुनते हो, अन्यत्र लिखा गया वर्ण आश्रम का जो अभिमान करता है वही है नौकर, श्रुतिर दासो भवन नर। शास्त्र का नौकर कौन, शास्त्र का नौकर हो गया जो वर्ण आश्रम का अभिमान करता है ना, है ना, वह शरीर के धर्म को अपना धर्म जो मानता है वही होता है सुतेर दासो भवन नर, वो ये श्रुति का क्या है, दास है, वो नौकर, मतलब शास्त्र उसी को विषय करता है कि नहीं। वर्णाश्रम का जो अभिमान रखता है उसी को ना शास्त्र विषय करेगा भाई, ऐसा होता है हाँ हाँ ये होता है, लग गया ना, ऐसा। इसलिए कहा निस्त्रे गुण पति विचरता को विधि को निषेध है कि नहीं, जिसका कोई संबंध ही नहीं है शरीर के साथ, धन में ना, उसके लिए कोई शास्त्र का नियम नहीं होता है, मतलब शास्त्र उसको विषय नहीं करता, मतलब है ना, स्वर्ग कामो जजेत ब्राह्मणो जजेत, तो किसको उद्देश्य करता है, शरीर ब्राह्मण का हुआ, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, उसी को जो मेरा मानता है कि नहीं, उसी को शास्त्र विषय करता है ब्राह्मणो जजेत, ना केवल शरीर को विषय करता है ना केवल निर्विशेष आत्मा को, ऐसा समझ में कि नहीं, ये विचार करना पड़ता है। इसलिए कहा एतेन जजमानत्तम आत्मन व्याख्यातम, जो शुद्ध आत्मा में जजमानत्व कहते हो, ब्राह्मणत्व आदि कहते हो, इसका ये विचार कर दिया गया, व्याख्यान हो गया, ऐसा समझ में, आगे बढ़े, थोड़े टीका ले लो। ये तो देहादो आत्म अभिमानो न मिथ्या अपितु गौण, देखो एक विचार है भाई, देहादि में जो आत्मा का अभिमान, आदि से क्या लगे इंद्रिय आदि, हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, मेरी आंखें ठीक है कि नहीं, मेरी आंखें ठीक है, ऐसा जो अभिमान है देहादि में, मैं आत्मबुद्धि जो हो रहा है अभिमान, ये मिथ्या नहीं है, मतलब ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये न मिथ्या,
ठीक है, अपितु गौण, अरे इसको गौण बुद्धि बोलते हैं, क्या कहते हैं, गौण बुद्धि कहते हैं। जैसे देखो मानव कादो इव सिंह अभिमान इति मन्यन्ते, जैसे मानव का बच्चा, अरे बच्चा शेर है, सिंहो मानव कह, ये यथार्थ ज्ञान है कि भ्रम ज्ञान, बताओ क्या बोले क्या, ओहो यथार्थ ज्ञान है कि भ्रम ज्ञान पूछ रहा हूं मैं, यथार्थ ज्ञान है भी लेकिन गौण ज्ञान है, इसको मिथ्या ज्ञान नहीं कहा जाता। जहां पर भेद ज्ञान है फिर भी ऐसा प्रयोग करते हो वो मिथ्या ज्ञान नहीं है, अपितु क्या कहते हैं इसको, गौण ज्ञान कहते हैं। आपको मालूम है ये सिंह नहीं है फिर भी इसको सिंह कहते हो, ये मिथ्या ज्ञान नहीं है। जहाँ पर भेद ज्ञान नहीं है फिर भी कहते हो वो मिथ्या ज्ञान है, कि नहीं। जैसे कोई सिंह का खाल पहन लिया गर्जना करता है कि नहीं, उसको वास्तविक सिंह समझ लिए तो भेद ज्ञान है नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान है। आए समझ में, हाँ। जैसे सुक्ति को रजत समझ लिया वो मिथ्या ज्ञान है। आज जहाँ पर मानवों को सिंह कहते हो वो मिथ्या ज्ञान नहीं, क्योंकि भेद ज्ञान है ना आपको कि सिंह तो जंगल में रहता है, भाई उसका सादृश्य है ये मिथ्या ज्ञान नहीं है, इसको कहते हैं गौण ज्ञान। इसी प्रकार जो शरीर में जो अहम कह रहे हो कि मैं ब्राह्मण हूँ मैं अमुक हूँ, ये मिथ्या ज्ञान नहीं है, गौण ज्ञान कहो। ऐसा कोई यदि माने ये कह रहा है ना, देखो बाणवकादो इव सिंह अभिमान इति मन्यन्ते, मानवकादि में सिंह का ज्ञान हो रहा है ये तो मिथ्या ज्ञान नहीं है, ये तो क्या ज्ञान है, गौण ज्ञान है। इसी प्रकार शरीर में जो अहम बुद्धि हो रही है ये भी क्या नहीं है, मिथ्या ज्ञान नहीं है, गौण ज्ञान है ना। इति मन्यन्ते, ये तो मन्यन्ते, ऐसा लगाना है शुरू में ना, देखो ये तो जो लोग ऐसा मानते हैं, लग गया। तन मतम, उसके मत को उपन्यस्य दिखा करके कह करके दुषयति, ऐसा नहीं होता है। सुनते हो ना, जिस शरीर में जो अहम बुद्धि करते हो क्या भेद ज्ञान है आपको, क्या कि शरीर अलग है मैं अलग हूँ, हैं मैं ब्राह्मण हूँ हैं तो मानते हो, उसमें क्या भेद ज्ञान है, नहीं नहीं ब्राह्मण तो शरीर का भी ये सड़भाव विकास शरीर का होता है, मेरा कुछ भी नहीं होता, ऐसा ज्ञान है भेद ज्ञान हैं, नहीं है। वो तो केवल समझाना पड़ता है बस, अरे जो आया तो जाना ही पड़ता है, शरीर तो छूटता ही है, बोलते नहीं लोग शमशान में, हाँ वो बताने वाले को भी उनको भी ज्ञान ये है कि यही मैं हूँ। शरीर में हूँ। भेद ज्ञान नहीं रहता यहाँ पर, इसको मिथ्या ज्ञान नहीं कर, ये क्या बोलते हैं, गौण ज्ञान नहीं कर सकते आम ब्राह्मण इत्यादि, ये क्या है, मिथ्या ज्ञान ही है, क्योंकि भेद ज्ञान यहाँ पर नहीं है, ये सिद्धांति को कहना है ये मिथ्या ज्ञान ही है, लगे ना। देखो लिखते हैं यहाँ पर, अत्र आहो भाष्य में कहते हैं, देहादि व्यतिरिक्तस्य आत्मनः आत्मीय देहादो अभिमानो गौणो न मिथ्या इति चेत, ये पूर्व पक्ष पहले हो गया है ना, देहादि से व्यतिरिक्त आत्मा है, ये बात तो सही है कि नहीं। फिर भी आत्मीय देहादो, ये देहादि क्या हो गया, आत्मीय हो गया, पूर्व पक्ष कह रहा है ये देह क्या अपना हो गया, आत्मीय का तो स्वकीय है, ये स्वकीय शरीर आदि में जो अभिमान हो रहा है, देहादो अहम अभिमानो, अहम पाठांतर है, अहम अभिमानो, अहम कहने से अच्छा है भाष्य में, आत्मीय देहादो अहम अभिमानो गौण, ये गौण ज्ञान है न मिथ्या। ये मिथ्या नहीं है इति चेत, ऐसा यदि कहा जाए तो, अरे भाई नहीं है, सिद्धांती बोलते हैं न शब्द से, प्रसिद्ध वस्तु भेदस्य गौणत्व मुख्यत्व प्रसिद्धे है, अरे भाई गौण मुख्य ज्ञान वहाँ पर होता है जहाँ पर क्या हो, भेद ज्ञान, जिस व्यक्ति को भेद ज्ञान, प्रसिद्ध वस्तु भेदस्य, प्रसिद्ध वस्तु भेद यस्य,
मतलब जिस पुरुष को जिस व्यक्ति को भेद प्रसिद्ध है, ये अलग है ये अलग है, है? हाँ है ना, उसको गौण ज्ञान कहा जाएगा, मुख्य ज्ञान कहा जाएगा, बात समझ में कि नहीं। जहाँ पर क्या हो भेद, वस्तु में जो भेद है वो प्रसिद्ध है, निश्चित है उनको, क्या है निश्चित है, जिस व्यक्ति को वस्तु का भेद ज्ञान निश्चित है उस व्यक्ति के लिए क्या ज्ञान होगा, ये गौण ज्ञान होगा, गौणत्व मुख्यत्व प्रसिद्ध है, लगे नहीं लगे, ऐसा है। आगे लेके इसी का बड़ा दृष्टांत बड़े सुंदर देकर बोल रहे हैं, जथा आहो ये नहीं जस्य ही, जस्य ही प्रसिद्धो वस्तु भेदा, है कि नहीं, जहाँ पर वस्तु का भेद क्या है प्रसिद्ध हो, जथा जैसे केसर आदिमान आकृति विशेषो, ये देखो हैं केसर का बाल वगैरह बहुत लंबा लंबा है, ये सब है हैं आकृति विशेष है, लगे ना, अन्वय व्यतिरेक जिस कोई बालक है मान लीजिए हाँ कोई बाल बहुत है बड़ा बहुत सुंदर है कि नहीं, दिखता है कि नहीं, उसमें क्रूरता है पराक्रमत्व है ये सब यदि हो तो वहाँ पर क्या होता है, हाँ ये सिंह है, ये शब्द प्रयोग और ज्ञान इसको क्या कहेंगे, गौण ज्ञान कहा जाएगा। कैसे अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, जहाँ पर भेद ज्ञान हो वहाँ पर क्या होता है, गौण ज्ञान अथवा मुख्य ज्ञान, इसको कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूरात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णात् पूर्णमेवावशिष्यते।